हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.2 का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू फिलअप करनी है। तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर दे रखा है ए बी सी डी, यहाँ से 1 2 3 4 भी हो सकता है। यहाँ पर बेस है, यहाँ पर हाइट है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बेस और हाइट दे रखी है। लेकिन किसकी हाइट दे रखी है, ये किसका बेस दे रखा है? यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो हम लोग इसका ए पार्ट कर लेते हैं। तो ए पार्ट जो है उसमें क्या है, बेस दे रखा है और हाइट नहीं दे रखी, एरिया दे रखा है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम ए पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। एरिया जो है, एरिया कितना दे रखा है इसमें, एरिया दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसमें बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट का नहीं पता है, हाइट का फार्मूला जो होता है आपका एरिया और डिवाइड बाई बेस, ठीक है? तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा उसको, हम यहाँ पे फिर इसमें भर देंगे, ठीक है? तो सॉरी, यहाँ पे भरना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो अभी एरिया कितना है, 246, और इसको 20 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये कट कर देता हूँ मैं, ये 2 10 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये कितना आ गया, 123/10, ठीक है? तो लास्ट में हाइट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी इसके बाद यहाँ पे ये 10 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 12.3, और ये सेंटीमीटर, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में दे रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 12.3 सेंटीमीटर। तो हाइट आपकी कितनी आ गई इसमें, 12.3 सेंटीमीटर आ गई है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें इसका ये बी पार्ट भी कर लेना। तो बी पार्ट में क्या है आपका, बी पार्ट में देख लेते हैं। बी पार्ट में हमारा हाइट दे रखी है, हमारी क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है और एरिया दे रखा है। तो एरिया हम पहले लिख लेते हैं, एरिया, एरिया कितना दे रखा है हमारा, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो हाइट, हाइट कितनी है इसमें, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद इसका बेस नहीं पता है, बेस का नहीं पता है, तो यहाँ पे बेस हमें निकालना पड़ेगा। तो बेस का फार्मूला क्या है, एरिया और डिवाइड बाई हाइट, ठीक है? तो बेस हम इसमें निकाल लेते हैं, यहाँ से बेस, यहाँ पे एरिया आपका कितना है, 154.5 और डिवाइड बाई 15। तो जब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 15 1 जा, और ये कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा 15 1 जा 15, फिर ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आ गया, ठीक है? और फिर 15 3 जा, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, इसके बाद यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेस लास्ट में आपका कितना रहेगा, 10.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको कितना भरना पड़ेगा, 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है? इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी अपना कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें ये इसका सी पार्ट भी करना है और डी पार्ट को भी कर लेना है। तो ये दो पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो आप लोग इनको करेंगे, ठीक है? एक तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है और एक यहाँ पे फिलअप करना है, तो आप लोग कर लेंगे। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर किए हैं, ए और बी पार्ट में, सी और डी में भी बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है, ठीक है? अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू आपको बतानी है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें भी बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो किसका बेस और किसका हाइट है वो यहाँ से आपको पता चलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? ये ट्रायंगल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग इसका पार्ट्स डाल देते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये यहाँ पर मैं सेकेंड पार्ट डाल देता हूँ और ये थर्ड पार्ट डाल देता हूँ, ठीक है? थ्री पार्ट्स में है, तो मैं यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें दे क्या रखा है, यहाँ पे ये एरिया दे रखा है, एरिया दिया हुआ है कितना, 87 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है, 87 दे रखा है इसमें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इसका फिर बेस दे रखा है, यहाँ पे हाइट नहीं दे रखी है, तो बेस कितना है इसमें, बेस दे रखा है इसका 15 सेंटीमीटर, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने का फार्मूला है वो इसमें क्या है, ट्रायंगल के लिए हाइट निकालने का फार्मूला, 2 मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एरिया और अपॉन बेस, ठीक है? अभी हाइट का फार्मूला ये हमने लिख दिया है,
तो 2 मल्टीप्लाई एरिया, एरिया कितना है 87, और ये यहाँ पर ये 15 बेस से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से जब मैं कट करता हूँ तो ये 3 के टेबल में आता 3 5 जा हो गया, और 3 से काटा तो 3 2 जा और 3 9 जा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 50 29 को 2 से गया तो 58/5, ठीक है। तब इसको आगे जब करते हैं तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो 5 1 5, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, ये 58 है और यहाँ पे ये 5 है, 5 1 5, ये 8 नीचे आया तो यहाँ पे 5 1 5 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, तो 5 यहाँ पे 6 30 हो गए, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 11.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 11.6 सेंटीमीटर, इसका हाइट का जो काम है, जो हाइट निकालने का काम तो हमने किया, और वो 11.6 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, ये आप लोग देख लेंगे। यहाँ से मैंने हाइट को निकाला है, तो हाइट में यहाँ पे इसको डिवाइड करना था, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया है, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आया था ये, ठीक है, कैमरा थोड़ा ऊपर हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.6 सेंटीमीटर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, बेस निकालना है और हाइट दी हुई है और एरिया भी दिया हुआ, तो एरिया कितना दे रखा है, और ये सारा का सारा क्या है, ट्रेंगल से रिलेटेड है, तो ये 1 2 5 6, और ये mm दे रखा है, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मिलीमीटर का स्क्वायर है यहाँ पे, एरिया है ये। तो इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे ये दे रखा है, ये तो आपका जो हाइट का जो है वो लिख लेते हैं, हाइट आपकी है 31.4 mm, ठीक है, ये हाइट आपकी दी हुई है। अब स्टूडेंट्स हमें इसका बेस निकालना है, तो बेस ट्रेंगल का बेस निकालने का फार्मूला जो है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई एरिया और डिवाइड बाई हाइट, ठीक है। तो बेस हम कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई एरिया कितना है 1 2 5 6, और डिवाइड बाई इसका जो बेस है, सॉरी हाइट है, वो कितनी है 31.4 आ गई, ठीक है। अब इसको यहाँ से इसका पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे बेस कर देता हूँ यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1 2 5 6, और मल्टीप्लाई 10, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई 10 से इसको किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो डिवाइड पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया आपका 1256 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है, या फिर इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से ही कट हो जाएगा, तो यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से ये 1 जा हो गया और ये 4 जा हो गया, ठीक है। तो अभी इसका बेस कितना आ गया हमारा, ठीक है, 2 को 4 से करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 चौक 8 और 10, 80 mm आ गया, 80 mm, 80 mm आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से 80 mm इसके जो बेस है वो 80 mm आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। स्टूडेंट्स अभी हमारा ये जो थर्ड पार्ट है ये हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके इसको इसको यहाँ पे आप इसको हाइट को निकालना है, आप हाइट निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में क्या क्या करना है, सोल एक्सरसाइज 10.2 इन फेयर नोटबुक, आपको एक्सरसाइज 10.2 है वो फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।